नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने सलमान खान और आलिया भट्ट को अपनी रोमांटिक फिल्म इंशाल्लाह के लिए साइन किया था। इस फिल्म में भाईजान अपने से कई साल छोटी आलिया भट्ट के साथ इश्क लड़ाते नजर आते। कई लोगों को ये आइडिया काफी अटपटा लगा था, लेकिन संजय लीला भंसाली एक मच्योर लव स्टोरी बनाना चाहते थे, जिसके लिए ये परफेक्ट कास्टिंग थी। फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही थी, लेकिन भाईजान ने अचानक से अपने हाथ इस प्रोजेक्ट से पीछे खींच लिए, जिसके बाद संजय लीला भंसाली को ये फिल्म बंद करनी पड़ी। सलमान खान के बाहर हो जाने के बाद सुनने में आया कि मेकर्स शाहरुख खान को साइन करने की सोच रहे। शाहरुख खान के नाम का ऑफिशियल ऐलान कभी नहीं हुआ, लेकिन खबरों की माने तो मेकर्स को लगता था कि इंशाल्लाह के लिए भाईजान के बाद किंग खान परफेक्ट रहेंगे। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि सलमान के बाद शाहरुख खान का भी इस फिल्म से पत्ता साफ हो गया और इन दोनों ही खान्स को ऋतिक रोशन ने रिप्लेस कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो भंसाली ने इस फिल्म के लिए अब ऋतिक रोशन से बात की, जिन्हें फिल्म का आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने इसका हिस्सा बनने के लिए हामी भर दी। एक लीडिंग वेबसाइट के रिपोर्ट की माने तो फिल्म के मेकर्स ने ऋतिक रोशन को सलमान खान की जगह लेने के लिए बात की। ऋतिक रोशन को फिल्म की कहानी पसंद आई है, लेकिन वो अपना वक्त लेकर ही इससे साइन करेंगे। संजय लीला भंसाली को आलिया भट्ट का काम पसंद आया है और उन्होंने एक्ट्रेस को इंशाल्लाह में लेने का मन बदलने का फैसला नहीं किया। आलिया ने कठिन समय में संजय लीला भंसाली का साथ दिया, जिसे डायरेक्टर काफी खुश है। वो चाहते हैं कि उनकी इंशाल्लाह में ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट काम करें। अब इंशाल्लाह को लेकर आ रही इन खबरों को लेकर मेकर्स कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ये पहली बार होगा जब आलिया भट्ट ऋतिक रोशन के साथ किसी फिल्म में काम करें। दोनों ने आज तक स्क्रीन शेयर नहीं किया। ऐसे में फिल्म में इनके आने से वाकई दर्शकों की एक्साइटमेंट लेवल बढ़ने वाली। बता दें कि आलिया और ऋतिक दोनों ही भंसाली के साथ पहले भी काम कर चुके, जहां आलिया ने उनके साथ गंगूबाई काठियावाड़ी में काम किया, वहीं ऋतिक ने भंसाली के साथ गुजारिश में काम किया था। ऋतिक अब सालों बाद भंसाली के साथ काम करने वाले। बताते चले कि फिलहाल आलिया और ऋतिक दोनों ही अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी, जहां आलिया फिलहाल ब्रह्मास्त्र, आरआरआर, गंगूबाई काठियावाड़ी और डार्लिंग को लेकर बिजी हैं। वहीं ऋतिक के पास फिलहाल दीपिका के साथ फाइटर और सैफ के साथ विक्रम वेदाकारी मेक है। इन फिल्मों को पूरा करने के बाद ही ऋतिक और आलिया इंशाल्लाह में साथ काम करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, इस फिल्म के लिए ऋतिक सलमान और शाहरुख से बेटर रहेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।